सो गाइस, इन सब का बैकग्राउंड का टेलीग्राम में मिल जाएगा पेंजी। टॉपिक आर्टिस्ट कौन करने लें, अनिवार्य एड फोटो पे जाना है और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको लेकर अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है गाइस बैकग्राउंड में। इसको कर लेने के बाद इरेजर पे चल जाना है और अपने पैरों से ऊपर तक, यहाँ तक इसको थोड़ा थोड़ा ओपेसिटी वगैरह कम कर लेना है और ऐसे करके इसको चला लेना है। सो मैंने ज़्यादा चला लिया गाइस। इसके बाद इस ऑप्शन पे जाना है, थोड़ा सा कर लेना है और इतना ठीक है। अब इस फोटो राइट क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद इसका डुप्लीकेट लेयर कलेक्ट कर लेना और अपने बॉडी पे ऐसे एडजस्ट कर लेना इसको। और इससे लेकर एफएक्स पे जाना है, एफएक्स पे जाने, कलर पे जाने, कलर चले जाना और यहाँ पे ब्लैक दिखा रखा है, इससे सेलेक्ट करके अमाउंट को कम कर देना और इनवर्ट कर देना है। और फिर से इस वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है और इससे इनवर्ट कर देना और कलर्स पे चल जाना है। और इसका ह्यू थोड़ा सा ऐसे ऑरेंज कलर कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद राइट क्लिक कर लेना गाइस। और इसे कर लेने के बाद इरेजर पे चल जाना है और इससे येलो कलर को मिटा लेना है गाइस। सो इसे अच्छे से मिटा लेने के बाद अब इस फोटो को जूम कर लेना है और ऐसे कुछ लगा लेना है गाइस, जैसे कर रहा हूँ मैं। सो इतना होने के बाद इस फोटो को राइट क्लिक कर लेना है और ब्लेंडिंग पे चल जाना है, मल्टीप्लाई कर देना है गाइस, मल्टीप्लाई। और ये कर लेने के बाद इस फोटो को सेव कर लेना है, राइट क्लिक करके सेव कर लेना है गाइस। और अपना ओपन कर लेना लाइट रूम। सो गाइस, लाइट रूम में आने के बाद इसका एक्सप्रेस को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेना है और कंट्रास्ट पे आने के बाद इसको थोड़ा सा 4 कर लेना है और हाईलाइट को माइनस कर लेना 25 और इसको 16 माइनस कर लेना है। अब इसको भी 32 कर लेना है और यहाँ 33 कर लेना है। और इसके बाद मिक्स पे चले जाना है, मिक्स पे जाना है इस ऑप्शन पे, इसे ऐसे कर लेना है गाइस, थोड़ा इसको भी कर लेना है सैचुरेशन। और इतना कर लेने के बाद रेड पे चले जाना है और इसको थोड़ा थोड़ा इधर ही बढ़ा लेना है गाइस तीनों को ही। और उसके बाद इस ऑप्शन पे जाना है। तो इस ऑप्शन पे जाने के बाद देखो गाइस कलर आ रहे हैं इस बैकग्राउंड में। तो ये सब कर लेने के बाद फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना है, तो उस पर देखो गाइस इस पर भी कलर आ रहे हैं। तो हमें कौन सा कलर, ये कलर अच्छा लग रहा है। सो इसे एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से डन क्लिक कर लेना है गाइस और इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे। और इससे इसे पूरा 100 कर लेना है और यहाँ से कुछ इस तरह कर लेना है गाइस, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड थैंक यू वाचिंग।